साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों पीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम डेट आपको मालूम होगा कि कक्षा 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए 15 तारीख यानी 15 मार्च को डेट घोषित किया गया है। अभी एक सूचना आई है, वो है एग्जाम सेंटर से रिगार्डिंग। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा डिस्प्ले पे, बिहार लोक सेवा आयोग का यह लेटर है और यह आज ही जारी हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 12/3/2024 को। और इसको अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना का यह जो है वो लेटर है। इसमें क्या है वो मैं बता दे रही हूँ, पहले तो इस लेटर को पढ़ लीजिए। आपको मालूम होगा इसमें आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी 3.0। इसमें लिख रहा है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 के लिए दिनांक 7/3/2024 से प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। उसके बाद इसमें क्या बोल रहे हैं वो देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं एक में दिनांक 15/3/2024 को आयोजित होने वाली वर्ग 1 to 5 एवं 6 to 8 के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 12/3/2024 से उपलब्ध है, यानी आज से उपलब्ध है, ठीक है, जिसे आप डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत देखा जा सकता है। मीन्स अभी जो आपका एग्जाम जो एडमिट कार्ड हुआ होगा वो जैसे कि मुजफ्फरपुर या कहीं भी अगर है तो एक कोड दिया होगा, एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा, लेकिन अब क्या है कि आपको डायरेक्ट आपका एग्जाम सेंटर कौन से स्कूल में है, कौन से कॉलेज में है, कहाँ पर है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं दो में कह रहा है कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। तीन में क्या बोल रहा है, अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR शीट आंसर शीट के सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष को छोड़ेंगे और यह अपर परीक्षा सह परीक्षा केंद्र पटना के द्वारा यह लेटर को इशू किया गया है। तो आप सब लोग प्लीज़ एडमिट कार्ड का वो डिटेल देख लें, उसको नोट कर लें एक पेज पर, और एग्जाम सेंटर में जाने से पहले अपनी ID कार्ड जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त दिया होगा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक पेन भी ले जाइएगा क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, तो इन सारी चीज़ों को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारा आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से जाना है। यही रात भारी आप ये सोचिए कि इस बार मुझे हो ही जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से रखिए। सारा क्वेश्चन फॉर्म भले ही इतने ज़्यादा गिराए गए हों लेकिन जीत आपकी ही होगी, ठीक है। तो इस वीडियोज़ में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।